आप सभी छात्रों का मेरे चैनल पर अभिनंदन है, स्वागत है। माँ सरस्वती से आशीष ले लें कि वह हमारी बुद्धि की धार को और अधिक तीक्ष्ण करें। छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 की कविता बादल राग का क्विक रिकैप करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति, जिसमें संक्षिप्त प्रश्न उत्तर तथा बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर होंगे। तो आइए शुरू करें। बादल राग किसकी प्रसिद्ध कविता है? उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कविता में बादल को किसका प्रतीक बताया गया है? उत्तर, क्रांति का। बादल राग का आशय क्या है? उत्तर, क्रांति का संगीत। वायु रूपी समुद्र में किसकी सेना छाई हुई है? उत्तर, क्रांतिकारी बादलों की। प्रश्न, बादल क्या कर रहे हैं? उत्तर, बादल रण की नौका के समान गर्जन तर्जन की भेरी बजाते हुए उमड़े आ रहे हैं, यानी के घोर गड़गड़ाहट हो रही है। बादलों को कौन निहार रहे हैं? उत्तर, पृथ्वी की कोख में दबे हुए आशाओं के नए अंकुर। बादलों की घनघोर गर्जन, मूसलाधार वर्षा और बिजली की कड़क सुनकर कौन धराशायी हो जाते हैं? उत्तर, बड़े बड़े शूरवीर। बादलों के आने से कौन प्रसन्न होते हैं? छोटे छोटे पौधे। क्रांति के शोर से किनको आनंद मिलता है? उत्तर, छोटों को, निरीह शोषित वर्ग को। प्रश्न, संपन्न लोग संसार का सारा धन कमाकर उस पर किस प्रकार बैठते हैं? उत्तर, कुंडली मारकर। क्रांति की वज्र गर्जन सुनकर कौन भयभीत होते हैं? उत्तर, संपन्न धनी लोग। प्रश्न, गरीबों के और निर्धनों के बच्चे किस में भी हंसते रहते हैं? उत्तर, रोग शोक और विप्लव में। प्रश्न, निर्धन किसको क्रांति दूत मानकर अपनी ओर बुलाते हैं? उत्तर, बादलों को। प्रश्न, अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा गया है? उत्तर, वायु रूपी सागर पर मंडराते बादलों को। प्रश्न, कवि ने जग के दग्ध हृदय का प्रयोग किस अर्थ में किया है? उत्तर, लोग जो अभाव और शोषण से पीड़ित हैं। प्रश्न, बादल निर्दय विप्लव क्यों रच रहे हैं? उत्तर, लोगों का निर्मम शोषण देखकर, यानी कि क्रांति आएगी और शोषित वर्ग का उद्धार होगा। प्रश्न, बादलों की युद्ध नौका में क्या भरा है? उत्तर, क्रांति की आकांक्षा। प्रश्न, अस्थिर सुख पर दुख की छाया क्यों कहा गया है? उत्तर, वायु अस्थिर है, बादल घने हैं। प्रश्न, नवजीवन की आशा में कौन सिर उठाए हुए हैं? उत्तर, धरती की कोख में सोए अंकुर। अंकुरों को क्रांति का लाभ किस प्रकार प्राप्त होगा? उत्तर, वे वर्षा के जल को पीकर लहलहा उठेंगे और उनका विकास होगा। प्रश्न, संसार बादल के किस रूप से त्रस्त है? उत्तर, गर्जन तर्जन वाले विप्लव रूप से। बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा गया है? उत्तर, अंकुरों का विकास होगा, अमीरों की स्थापित व्यवस्था को वह उलट पुलट कर देंगे, यानी कि क्रांति आएगी, अमीर उससे भयभीत हैं लेकिन गरीबों का उससे उद्धार होगा। प्रश्न, रणतरी किसे कहा गया है? उत्तर, गरजते बादलों को। प्रश्न, क्रांति की कामना कौन कर रहे हैं? उत्तर, गर्जन तर्जन करते बादल। प्रश्न, बादल क्रांति की कामना क्यों कर रहे हैं? उत्तर, वे अमीरी की निर्दयी दुनिया को डुबाकर दबे अंकुरों को विकसित करना चाहते हैं, यानी कि शोषित वर्ग को ऊपर उठाना चाहते हैं। प्रश्न, बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा गया है? उत्तर, विप्लव का अर्थ है पानी भर जाना और विनाश। यह बादल स्थापित व्यवस्था को जल में डुबोकर
उनका विनाश कर देना चाहते हैं। प्रश्न, सिद्ध कीजिए कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी तथा शिल्प छायावादी है। उत्तर, इस कविता का भाव बोध प्रगतिवादी है और शिल्प छायावादी है। कवि ने प्राकृतिक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है, बादलों को क्रांतिकारी योद्धा प्रस्तुत किया है। प्रश्न, बादल को विप्लव का प्रतीक क्यों माना गया है? उत्तर, बादलों के गर्जन तर्जन में वज्र का हुंकार है, वे निरंतर बिजली गिरा रहे हैं, मानो कुपित हों, इसलिए बादलों को विप्लव का प्रतीक कहा गया है। प्रश्न, बादलों के बरसने से संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, संसार के लोग डर के मारे अपना हृदय थाम लेते हैं। प्रश्न, बादलों के तड़ित पात से किस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? तड़ित पात यानी कि बिजली जो चमकती है जोर जोर से। उत्तर, विशाल आकार वाले पर्वत कांपते हैं और वर्षा की चोट से घायल हो जाते हैं। प्रश्न, छोटे पौधे किसके प्रतीक हैं? उत्तर, छोटे पौधे आम शोषित जनों के प्रतीक हैं, जनसाधारण के। छोटे पौधे क्यों हंसते हैं? वे वर्षा का जल पाकर तृप्त होते हैं, उनको नवजीवन मिलता है, इसलिए वे हाथ हिला हिला कर प्रसन्न होते हैं। प्रश्न, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किन्हें कहा गया है? उत्तर, पूंजीपतियों को कहा गया है जो धन वैभव के कारण बहुत ऊंचे हैं, उनके भवन आकाश को छूने की होड़ कर रहे हैं। प्रश्न, वज्रपात करने वाले भीषण बादलों का छोटे पौधे क्यों आह्वान करते हैं? उत्तर, वज्रपात करने वाले बादलों से उन्हें न्याय विकास और शोषण का अंत होने की आशा है। क्रांति के सुप्त अंकुर आकाश की ओर क्यों ताक रहे हैं? उत्तर, उन्हें न्याय विकास और शोषण का अंत होने की आशा है। कौन लोग कांपकर आंख मूंदे पड़े हैं? उत्तर, मोटे मोटे पूंजीपति। प्रश्न, लोग कांपकर आंखें मूंदे क्यों पड़े हैं? उत्तर, उन्हें क्रांति का भय है, वह अपने महलों और सुख सुविधाओं के छिनने के भय से त्रस्त हैं। प्रश्न, अट्टालिकाओं को आतंक भवन क्यों कहा गया है? उत्तर, अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग क्रांति से भयभीत होते हैं, उन्हें अपना धन लूटने का भय सताता है। प्रश्न, प्रकृति बादलों को किस प्रकार बुलाती है और क्यों? उत्तर, प्रकृति की कोख में सोए छोटे छोटे तृण और अंकुर हाथ हिला हिलाकर बादलों को बुलाते हैं, वे जल से फलना फूलना चाहते हैं। प्रश्न, जल विप्लव प्लावन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जल के फैलाव द्वारा मचाई गई उथल पुथल। प्रश्न, कवि ने भय के दृश्य को किस प्रकार चित्रित किया है? उत्तर, बादलों की गड़गड़ाहट से धनियों की सुखी जिंदगी में खलल दिखाया गया है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, भय का सुंदर सजीव प्रभावी बिंब है। प्रश्न, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? उत्तर, बिजली गिरने से जर्जर और भयभीत पर्वतों की ओर। प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। उत्तर, बादलों के बरसने से छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं, बादलों की क्रांति से छोटे लोग सामान्य जन किसान मजदूर ही लाभ प्राप्त करते हैं, पूंजीपतियों का नाश होता है। आशय स्पष्ट कीजिए। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन। उत्तर, जल की विनाश लीला तो सदा पंख यानी के कीचड़ में ही होती है, वहीं बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। प्रश्न, शुद्र प्रफुल्ल जलज का प्रतीकार्थ समझाइए। उत्तर, जल में खिले छोटे छोटे प्रसन्न कमलों से तो सदा अश्रुरूपी आंसू बहा करते हैं, सुविधा भोगी वर्ग के तुच्छ लोग क्रांति से घबरा कर आंसू बहाते हैं।
प्रश्न, शैशव का सुकुमार शरीर से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, समृद्धि में पहले सुकुमार शिशु क्रांति की ज्वाला सह नहीं सकते। प्रश्न, कृषक अधीर होकर किसे बुला रहा है? उत्तर, क्रांति के बादलों को। प्रश्न, धनी शोषक वर्ग अपनी विलासिता के बीच भी आतंकित है, ऐसा क्यों? उत्तर, क्रांति के कारण होने वाले सर्वनाश से भयभीत होकर। प्रश्न, धनी अंगना अंग से लिपटे हुए भी आतंकित क्यों है? उत्तर, क्रांति के भय से। प्रश्न, बादल राग कविता में किसान को किस रूप में चित्रित किया गया है? उत्तर, किसान पूरी तरह लुटा पिटा गरीब सर्वहारा है, उसका शरीर जीर्ण शीर्ण है, वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, उसके शरीर रूपी सार को पूंजीपतियों ने पूरी तरह सोख लिया है, चूस लिया है। प्रश्न, कविता में किसको शोषक कहा गया है? उत्तर, पूंजीपतियों को। प्रश्न, कवि किसको विप्लव के वीर कहता है? उत्तर, बादलों को। बादलों के लिए जीवन के पारावार संबोधन क्यों किया गया है? उत्तर, वे जल वर्षा द्वारा नई फसलों को उगाते हैं तथा जीवन बनाए रखते हैं। प्रश्न, शोषकों के लिए रुद्ध कोष अक्षुब्ध तोष विशेषणों का औचित्य समझाइए, ये विशेषण क्यों प्रयुक्त हुए हैं? उत्तर, रुद्ध कोष अर्थात दुनिया भर की संपत्ति अपने कोष में बंद कर दिया है। पूंजीपति क्या करते हैं? सारे समाज की संपत्ति को अपनी ही तिजोरी में भर लेते हैं। क्षुब्ध तोष इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके मन में संतोष का नाम नहीं है, वे सदा क्षुब्ध और बेचैन रहते हैं और अधिक पाने की कामना उनके मन में रहती है। प्रश्न, पंख किसका प्रतीक है? उत्तर, पंख शोषित वर्ग का प्रतीक है, जनसामान्य का प्रतीक है। प्रश्न, क्षत विषत हत में कौन सा अलंकार है? उत्तर, अनुप्रास अलंकार। अचल किसका प्रतीक है? उत्तर, अचल धनियों का प्रतीक है, यानी के बड़े बड़े पर्वत जो सिर उठाए खड़े हैं। प्रश्न, हंसते हैं छोटे पौधे में क्या है? यहाँ एक ही ध्वनि की आवृत्ति के कारण स्वर मैत्री है। आइए, बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं। बादल राग के कवि हैं? उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कवि बादल का आवाहन किस रूप में करता है? उत्तर, क्रांति। बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? उत्तर, दूत। प्रश्न, मानव जीवन में सुख कैसा है? उत्तर, अस्थिर। सुख किसके समान चंचल और अस्थिर है? उत्तर, मन। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है? उत्तर, सुख दुख की। प्रश्न, संसार के दुख से दुखी और जले हृदय पर किसका विस्तार फैला हुआ है? उत्तर, क्रांति का। क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? उत्तर, सुख और शांति की। कविता में बादल किसका प्रतीक है? उत्तर, क्रांति। धरती का शोषण कौन कर रहा है? उत्तर, गर्मी। क्रांति के बादलों में वज्र गर्जना कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? उत्तर, पूंजीपति वर्ग। तेज बरसात से कौन धाराशाही हो जाते हैं? उत्तर, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। प्रश्न, क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? उत्तर, निम्न वर्ग को, यानी के छोटे छोटे पौधों को। अंगना अंग से लिपटे कौन कांप रहे हैं? धनी। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? उत्तर, कृषक। रुद्ध कोष है क्षुब्ध तोष, यहाँ रुद्ध का अर्थ है रुका हुआ रुंधा हुआ। प्रश्न, शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? उत्तर, रोग शोक में। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर है, यहाँ शीन का अर्थ है क्षीण दुबला पतला।
प्रश्न, रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है? उत्तर, शैशव यानी के शिशुओं का। बादल राग कविता में रणतरी किसे किससे भरी होने की बात कही गई है? उत्तर, आकांक्षाओं इच्छाओं। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष या शुद्ध का अर्थ है खिन्न रूठे हुए। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? उत्तर, अस्थिर। आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? धनी। जल विप्लव पलावन हमेशा किस पर होता है? उत्तर, कीचड़ पर। बादल राग किस प्रकार की कविता है? उत्तर, प्रगतिवादी। निराला ने किस छंद में रचनाएं लिखी हैं? उत्तर, मुक्त छंद में। बादल राग कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? उत्तर, अनामिका। छोटा सा वाक्य है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। अमीर के जीवन में महत्व सोने की चैन का होता है, गरीबों के जीवन में वही महत्व चैन से सोने का होता है। ट्राई योर बेस्ट इन एवरीथिंग यू डू, स्टे पॉजिटिव, हैव फन एंड कीप स्माइलिंग, यू विल डू ग्रेट। प्रस्तुति सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.